एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने सपने के दम पर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स की। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। क्या आपको पता है, बिल गेट्स जब स्कूल में 11th क्लास में पढ़ते थे तो उन्हें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में इतना प्यार हो गया कि वह पढ़ाई बीच में छोड़कर इसी काम में लगे रहते थे, जिसकी वजह से वो 11th क्लास में फेल हो गए। लेकिन अपनी मेहनत और बड़े सपने के दम पर अपने दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने एक कंपनी शुरू की और 3 दशक में ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। एक बार 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने स्कूल टीचर से कहा था, 30 वर्ष तक मैं करोड़पति बन जाऊंगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 31वें वर्ष वो अरबपति बन गए थे और उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम 17 वर्ष की उम्र में बेचा था। आज बिल गेट्स की 2 बेटियां और 1 बेटा है। हर बच्चे को माता पिता की तरफ से $10 मिलियन मिलेंगे, जबकि उनकी संपत्ति $72 मिलियन से ज़्यादा की है। बिल गेट्स का घर 66,000 वर्ग मीटर में बना हुआ है। बिल गेट्स हर सेकंड में करीब 12,000 रुपये कमाते हैं, यानी एक दिन में लगभग 102 करोड़ रुपये। बिल गेट्स अगर पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को लगभग बराबर बराबर अपना पैसा बांट दे तो हर व्यक्ति के हिस्से में लगभग 4,983 रुपये आएंगे। माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे महंगे एथलीट है। अगर वो अपने हर महीने की कमाई को बिल्कुल भी खर्च ना करे तो बिल गेट्स के बराबर पैसा इकट्ठा करने में उन्हें 250 साल लग जाएंगे। हमारे देश के सबसे महंगे खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी भी अपनी कमाई खर्च ना करे और उसे जोड़ते रहे तो उनको भी बिल गेट्स के बराबर पैसा इकट्ठा करने में 35,000 वर्ष लग जाएंगे। अगर बिल गेट्स का अपना कोई देश होता तो वो देश दुनिया का 37वां सबसे अमीर देश होता। तो दोस्तों, बिल गेट्स की जीवन कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपका कोई सपना है और आपको अपने और अपने सपने पर पूरा भरोसा है तो आप सभी उनकी तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो अभी हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।